आज जिला से थोड़ा से आसानी हो जाती नहीं जान पहचान करे वो जगह महासमुंद पिथौरा साइड हुई है। हाँ वही साइड तो पहली यानी कि प्रगट के देकर हो रही से। हाँ तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कुछ लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चले फ्रेंड हम नज़दीक में पहुंच जाएंगे, देख सकते हैं यही रास्ता है। तो चलिए फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पर आओगे तो आपको अभनपुर, तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं तालाब भी है और इस तरफ खेत है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे कॉर्नर ब्लॉग को पर। आशा करते हैं फ्रेंड आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज मैं आपको लेकर आया हूँ अभनपुर से लगे हुए बेलर गाँव भाटापारा में खेतों के बीच में प्रकट हुआ है शिवलिंग। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और यहाँ के कुछ लोगों से पूछते हैं, यहाँ पर है पीछे साइड में जो शिवलिंग प्रकट हुआ है कितना दिन हो गया है, तो यहाँ पर जाके पूछते हैं। सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो फ्रेंड आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो चले फ्रेंड आप मेरी वीडियो पर बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक, हम मिलते हैं आपको वीडियो के आगे। सो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं और हम भी चलते हैं खेत के पास और आपको अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि जो शिवलिंग प्रकट हुआ है वो कितने दिन हो गया है, आप हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं तालाब भी है और इस तरफ खेत है और कुछ लोग दर्शन करके भी चले गए और देख सकते हैं थोड़ा दूर में दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर है शीतला मंदिर, इधर हनुमान जी का यहाँ पे मूर्ति है। तो चले फ्रेंड मैं आगे की तरफ चलता हूँ और गांव वालों से कुछ शिवलिंग जो प्रकट हुआ है उसकी जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर नीम का पेड़ है और यहाँ पर कुछ पिंडों में देवी देवता यहाँ पर स्थापित किए हैं। तो चले फ्रेंड आगे की तरफ चलते हैं, हम आप हमारी वीडियो पर ऐसे बन रही है। तो चलिए फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पर आओगे तो आपको अभनपुर से बेलर गांव चंडी जाना है ऐसा करके बोलोगे तो आपको कोई भी रास्ता बता देगा या तो आप लोकेशन में देख सकते हैं। तो चले फ्रेंड ये रास्ता उबड़ खाबड़ है, इधर से नीचे उतरना पड़ेगा हमको और कुछ लोग यहाँ पर और दर्शन करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं शिवलिंग का। तो चले फ्रेंड हम भी आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कुछ लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चले फ्रेंड हम नज़दीक में पहुँच जाएंगे, देख सकते हैं यही रास्ता है, इधर से पैदल जाना है आपको, गाड़ी वहीं पर आप खड़े कर देंगे। अभी मैं कुछ देर के बाद एक वीडियो बना कर आया था उमर पोटी का, अचानक से मेरा सारा वीडियो डिलीट हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। कोई बात नहीं, फिर से जाके बनाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया हूँ फ्रेंड, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, पूछते हैं गांव वालों से और चमत्कारी शिवलिंग का आपको दर्शन कराते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं आपको दर्शन कराते हैं शिवलिंग का। तो पहली यानी कि प्रगट के देकर हो रही से। हाँ रवि फसल धान बोआई रही सिलाई चौपी, सिलाई चौपी तो हमन चला तात रही। हाँ हाँ तो हमारे घर महिला तो फिर आए हैं पथरा तो नन भाव होई सी। हाँ हाँ और माटी माटी लटार के देखे। हाँ हाँ निकाल बो घलो के ही। हाँ हाँ तो चला एक समय कठवा नहीं जा रही रवि फसल। हाँ हाँ जा रहे जमीन है। हाँ हाँ वो काहे नहीं निकलिस गा। हाँ हाँ तो हम विचार करें ने। हाँ तो विचार करें तो महादेव बते। हाँ अब तहन बिहान दिन फूल पांचा घान नरियर वरियर थोड़े ना मान रहे नोल दिन तो। अब आषाढ़ में अब फिर मताएन बरसात फसल भर तब वो हम नांगर में उसल गई रही से। अब इसने खपटा तात रही तीर तीर लफे तब देखे हम तो देवता मान रहे हैं उसल गए पत्थर नमूना दिखा थे तब तो हमारे बाप देवता चाह सम्मान रहे थे कि नहीं। हाँ हाँ कर स्थापना करे हो कर डरे। हाँ हाँ तो ये भैया जैसे अभनपुर से कितना किलोमीटर पड़ते हैं? अभनपुर से है हाँ 7 किलोमीटर पड़ते। हाँ हाँ और जिला कौन से पड़ते कर? हमारा रायपुर जिला माथे। रायपुर जिला माथे ना। हाँ तो यहीं की निवासी हो आप मन? हाँ यहीं तो यही शिवलिंग की जानकारी ले रहे यहीं तक आप मन यहीं आ रहे हैं हमन। हाँ और हमारे दर्शक मन तक ये वीडियो पहुँच सके ऐसे करके। और आप मन के नाम का है भैया? नाम पूछ भी नहीं कर रहे पाल है। हाँ हाँ
अनुभव हो जो अभी गोठिया जो अभी बड़े हुए हो ये किशनपुर नहीं जाते रही किशनपुर में भी नहीं प्रकट हुए ना शिवलिंग हमरो खेत में निकले है भाई 5-6 साल हो गए हम अनुमान था नवबाढ़ा थी अब कोनो विश्वास करे या मत करे इसी ढंग के निगोठियाएंगा वही दे सब अब देखे लावा थी का अच्छा हाँ चलो ठीक है भैया धन्यवाद ना अपन के। तो चलिए फ्रेंड आपको कराते हैं चमत्कारी शिवलिंग का दर्शन। इतिल सूर्य की उजाला था ना सूर्य की रोशनी आते इतिल ना बढ़िया चक से दिखा तू हमन के सकल है यही के रहने वाला हो दाई तुमन है मैं सिंहपुर से हर हूँ धमतरी जिला से आओ तो के दिन हो गए दाई जो प्रकट हो शिवलिंग हो तो एला देखिस कौन है खेत वाला घर के नहीं तो का है कई जन आद भी रहते नहीं गए साइड छोटे साइज के रिस ना हाँ भगवान प्रकट होते जैसे किशनपुर हो गए तिवरैया हो गए मुनगा शेर यानी के जानकारी केचुआ सुनत रहे हो नाम कौन से साइड में है कोना खट्टी कौन से जिला पड़ा थे का जिला से थोड़ा से आसानी हो जाती नहीं जान पहचान करे वो जगह महासमुंद पिथौरा साइड हुई हो वही साइड भी